Hi dear viewers, welcome to Computer Android Tech YouTube channel. Please subscribe our channel, like and comment our videos, and press the bell icon to get our latest updates. To visit our Facebook group and to join our WhatsApp group, you can visit our channel about page. Thank you. Assalamu alaikum, Computer Android Tech ke nazreen aur samein, main hu aapka dost Hamza Altaf aur आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड्रॉइड टेक। आज की वीडियो एक छोटी सी ट्रिक पर मुश्तमिल है और ये ट्रिक बेसिकली हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये स्टार्ट होते वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा लेता है। तो इसके ऊपर बेसिकली पहले से वीडियो हमारे एक जो साइटेड भाई हैं उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बेसिक यूज़र्स हैं और जॉज या एनवीडीए को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए इस सेटिंग्स को आसान बनाया जा सके। तो चलते हैं अपनी इस टिप की जानिब, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा और अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो चलते हैं अपनी इस ट्रिक की जानिब। ट्यूटोरियल स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले मैं विंडोज की प्रेस करूंगा क्योंकि हमें जाना है सर्च बॉक्स में। Search box edit. यहाँ पर हमने टाइप करना है config, CONFIG. CONFIG, system configuration system, press right to switch preview. System configuration system. मैं इस वक्त यूज कर रहा हूँ Core i5 4th generation laptop with Windows 11. अगर आप Windows 10 यूज कर रहे हैं तो आपको system configuration app press right to switch preview बोलेगा, आपका जो स्क्रीन रीडर है जॉज या एनवीडीए जो भी आप यूज करें। तो हमने इसको ओपन करना है। Config, enter. System configuration dialog, general page, load all device drivers and serve. हमारी सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो गई और यहाँ पर एक दफा हम कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे। Boot page, seconds, list box. Yes, this is the boot page, जो कि हमारी जो हमारा लैपटॉप है या हमारा पीसी है इसको बूट से रिलेटेड हमारी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ से ओपन होंगी। Advanced option, list box, Windows 11, C, Windows Current OS, Default OS. अगर आप एक से ज्यादा विंडोज यूज कर रहे हैं तो यहाँ से किसी एक को डिफॉल्ट बना सकते हैं। Advanced options button. Advanced options में नहीं जाना। Boot option, safe boot checkbox not checked. इसको भी नहीं आपने छेड़ना। Boot options, no key, boot checkbox, boot options, boot log checkbox, boot options, base video, boot options, OS, boot inform, timeout, edit, 55. Timeout. So, blank, end, fa, blank. This is the timeout. तो अब आपने टाइम किस तरीके से लिखना है? आपका जो टाइम है वो दो डिजिट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। By default, 30 सेकंड होता है या आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने सेकंड्स तक सेट होता है। तो हम इसको करेंगे 05 यानी कि 5 सेकंड। 05 0 टाइप बूट टाइम अप बूट ऑप्शंस ओएस बूट 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 लिस्ट बॉक्स बूट ऐप हेल्प बटन अप्लाई बटन। एक दफा अप्लाई करेंगे शिफ्ट टैब स्पेस लिस्ट बॉक्स विंडोज बूट हेल्प कैन ओके बट स्पेस सिस्टम कॉन्फिगरेशन डायलॉग यू मे नीड टू रीस्टार्ट योर। और आपसे रीस्टार्ट मांगेगा। मैं इस वक्त एग्जिट विदाउट रीस्टार्टिंग पे क्लिक करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आपने इसको रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट बटन एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट बटन स्पेस। इस तरीके से आप अपने सिस्टम का स्टार्टअप टाइम कम कर सकते हैं।